हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन एरिना यूट्यूब चैनल खरखोदा में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हम सीख रहे हैं नरेशंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सीखा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस ही चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनेट टेंस से चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस। शैल शुड में विल वुड में कैन कुड में मे माइट में। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पहले वीडियो में डिटेल से अध्ययन किया था, तो आइए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कुछ एग्जांपल के द्वारा हम इन एक्सरसाइज को करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार टेंसेज में परिवर्तन आता है। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए लिखा है He said to me, comma, inverted commas begin, I like you, full stop, commas close. Yes, students, सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब में देखा और रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा टेंस जो है वो पास्ट टेंस है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर सेड टू है तो वो बदल जाएगा, ही टॉल्ड मी, ही टॉल्ड हिना, कॉमे की जगह पर दैट। आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और आई फर्स्ट पर्सन है तो यो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पर ही जो है वो भी सब्जेक्टिव केस हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट ही, याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो आई कैपिटल लेटर था, अब ये ही जो है स्मॉल लेटर में आएगा। आई लाइक यू, ये लाइक जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये चेंज हो जाएगी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। ही लाइक्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यू जो है वो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ही ना, यानी कि सी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो सी है यो सब्जेक्टिव केस है, जबकि यहाँ पर यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो इस सी का भी ऑब्जेक्टिव केस सी हर हर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ ही लाइक्ड हर। होप कि आप इस सेंटेंस को समझ गए होंगे, जब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस था तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चेंज हुआ। नेक्स्ट चलिए, राम सेड टू श्याम, आई एम लर्निंग माय क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू यानी कि पास्ट टेंस है, और रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो डियर स्टूडेंट्स, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड में, राम टोल्ड श्याम दैट। आप देखिए स्टूडेंट्स, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम यानी कि ही। अब यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, ही वाज लर्निंग। आप देखिए यहां पर माई जो है, माई जो है फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस माई। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट है ही, और राम राम इज ही, तो ही का जो पॉजिटिव केस हुआ वो हुआ हिज, तो यहाँ पर हुआ लर्निंग हिज क्वेश्चंस। हाउ स्टूडेंट्स, आप इस सेंटेंस को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलिए, सीता सैड, सीता ने कहा आई है
कॉमा नोटिस कॉमा बिगिन आई हैव ऑलरेडी कुक्ड फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ तो सेड टू था जब कि यहाँ पर अकेला सेड है, तो हमने इसको टॉज में बदलने की जरूरत नहीं है। ये रहेगा एज इट इज, सीता सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सीता तो हुआ ही। ये हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड ऑलरेडी कुक्ड फुल स्टॉप। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, सोनू सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और बार हमारा है पास्ट टेंस। सेड टू चेंज इनटू टोल्ड तो हुआ स्टूडेंट से, सोनू टोल्ड मी दैट ही जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई है तो सोनू का ही हुआ। ही हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हुआ, ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर फुल स्टॉप। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, सी सेड टू राम आई वेंट टू दिल्ली लास्ट नाइट फुल स्टॉप कॉमास क्लोज। देखिए स्टूडेंट्स सेड टू है और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस तो हुआ स्टूडेंट्स, सी टोल राम दैट यहाँ पर आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सी है That say dear students past indefinite tense change past perfect tense और past perfect tense में होता है had gone to Delhi last night change into previous night the previous night। आप students समझ में होंगे। नेक्स्ट चलिए, सी सेड टू मी आई वाज वेटिंग फॉर यू प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। सी सेड टू टोल्ड में वो चेंज हुआ, टोल्ड मी दैट आई जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सी वाज वेटिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सी हैड बीन वेटिंग फॉर। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए यू का जो केस है वो ऑब्जेक्टिव केस है, अब यहां पर मी है और इसने इसके अनुसार चेंज होना स्टूडेंट्स तो क्या हुआ, यहाँ पर I, my, me भी ऑब्जेक्टिव केस और यू भी ऑब्जेक्टिव केस तो ये हुआ फॉर मी फुल स्टॉप। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स, शी सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, ये डियर स्टूडेंट है पास्ट परफेक्ट टेंस है और हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था कि नो चेंज, तो डियर स्टूडेंट्स इसके टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे। क्या बनेगा, सी टोल्ड मी दैट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, सी हैड कंप्लीटेड। अब देखिए स्टूडेंट्स माय फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा था से, तो सी हर जो सी है से का पॉजिटिव केस हुआ, हर कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट ले स्टूडेंट्स, राम सेड टू मीना आई शैल राइट ए लेटर, तो डियर स्टूडेंट्स सेड टू चेंज इनटू टोल्ड में, राम टोल्ड मीना दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ और सब्जेक्ट है हमारा राम, मीन ही दैट ही
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि सेल्स वुड में, विल वुड में, कैन वुड में, मे माइट में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आई के साथ सेल था, अब देखिए आई और मी के साथ तो सेल आता है, लेकिन बाकी के जो भी सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, जो भी है आई और मी को छोड़कर उसके साथ विल का यूज होता है। अब चूंकि आई के साथ सेल था तो हमने यहाँ पर ही हुआ और सेल इन चेंज इनटू शुड और विल इनटू वुड, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ही वुड होना चाहिए, न कि शुड, ही वुड राइट ए लेटर। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे असर्टिव टाइप सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जो कि जिनके बाहर पास्ट टेंस था, जब बाहर पास्ट टेंस होता है तो अंदर का टेंस भी चेंज हो जाएगा। और ये कंसेप्ट हमने बड़े अच्छे से समझा कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। होप स्टूडेंट्स आप इस असर्टिव टाइप को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।